हेलो एवरीवन, नमस्कार। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं अपने कुछ थॉट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि लॉकडाउन को लेके और आपकी हेल्थ को लेकर के हैं। लॉकडाउन से पहले आप में से बहुत सारे लोग कुछ डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे थे। कुछ लोग अपने वेट रिडक्शन के लिए या फिर अपने फिटनेस के लिए पार्क में वॉक करने जाते थे और कुछ लोगों ने कुछ फिटनेस ग्रुप एक्टिविटीज़ ज्वाइन की हुई थी। लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ड्यू टू लॉकडाउन अब हम अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे या फिर वेट लॉस नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशंस चेंज हुई हैं, आपके इरादे नहीं चेंज हुए हैं। आप डाइट भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक माइंडसेट की। लॉकडाउन का ये टाइम, अगर आप डिटर्मिंड हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसमें आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के अपनी अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हैं। एज़ देर आर नो ईट आउट्स, नो गेस्ट ओवर, नो सोशल गैदरिंग्स, नो एक्सक्यूजेस। आई नो ऑल ऑफ अस आर फेसिंग अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बट आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ द कंडीशन। सो और ये ज़रूरी भी है कि हम एक हेल्दी डाइट फॉलो करें ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर पाएँ, उन इन्फेक्शंस और वायरसेस से हमारी बॉडी लड़ पाए। एक बात और भी है कि आजकल सब बच्चे घर पे हैं, बड़े हो या छोटे, सब घर पे हैं। एंड वी एज एल्डर्स आर रोल मॉडल्स फॉर देम। अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिनड होगी, अगर हम अपनी अच्छी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों में भी हम इन चीज़ों को इनकलकेट कर सकते हैं। दे विल ऑल्सो ट्राई टू इमिटेट अस। इससे उनको प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं और उनको कैसे फॉलो किया जाता है। सेकेंडली, ऑकवर्ड टाइमिंग्स में कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, ये भी एक आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द इश्यूज जो कि हम लॉकडाउन के बाद जो है वो फेस कर रहे हैं, कुछ मेंटल ब्लॉक्स आ गए हैं जिनको लेकर के हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सो द फर्स्ट इशू जो हम मैक्सिमम फेस कर रहे हैं वो ये है कि सर्टेन फूड आइटम्स आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स या फिर कुछ एग्जॉटिक ग्रेन्स हमारी डाइट में इंक्लूड होंगे तभी हमारी डाइट जो है वो हेल्दी होगी। इनफैक्ट हमारे किचन में जो भी ग्रेन्स अवेलेबल हैं, जो मिलेट्स अवेलेबल हैं, जो पल्सेस अवेलेबल हैं, दे ऑल आर सुपर फूड्स। हम उनसे ही डिफरेंट प्रिपरेशंस बना के डिफरेंट उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो अगर आप रिकॉल करें आज से 60-70 इयर्स बैक जो हमारे एल्डर्स थे वो बहुत ही लिमिटेड फूड आइटम्स को यूज़ करते थे जो उनके एरिया में लोकल आसपास होती थी। बहुत ही लिमिटेड फ्रूट्स थे, बहुत ही लिमिटेड वेजिटेबल्स जो वो अपनी डेली रूटीन में कंज्यूम करते थे, बट देवर मच मोर हेल्दियर देन अस और उनके एनर्जी लेवल्स भी हमसे बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि जब आपका लॉकडाउन ओपन हो जाएगा और आप डिफरेंट चीज़ें खरीद पाएंगे तभी आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर पाएंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अपनी किचन में से ही अपने स्टेपल फूड्स को लेकर ही बहुत हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द सेकेंड इशू, सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। जिन लोगों को फ्रूट्स एंड सैलड्स खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था उनके लिए तो एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ मिल गया है कि रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नॉट सेफ टू ईट बिकॉज दे कैन कंटेन वायरसेस ऑन देयर सर्फेसेस, तो उन लोगों ने खाना छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर हम अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब चीज़ों को बहुत अच्छे सोप वाटर या फिर विनेगर वाटर से वॉश करते हैं तो और हल्का सा उनको स्क्रब करते हैं तो हम सारे वायरसेस, सारे ऊपर के जो केमिकल्स हैं सबसे हम जो है अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेफ बना सकते हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव इसका ये है कि आप जो सैलड्स हैं उसको स्टीम या सॉटे भी ले सकते हैं।
तो रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को कम्प्लीटली अपने डाइट में से आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करना है. यू कैन इन्जॉय ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद सेफ्टी, राइट. थर्ड इशू जो हमारे क्लाइंट्स भी बहुत फेस कर रहे हैं वो है हमारी फीमेल क्लाइंट्स के साथ जो इश्यूज़ आ रहा है कि आजकल ना तो कोई हेल्पर है ना कोई मेड है, तो हमारे जो हाउस होल्ड कोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिस वजह से हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. इट्स अ गुड लर्निंग टाइम फॉर यू. हम लोग बहुत ज़्यादा मेड्स पे एंड सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट हो गए थे, नाउ इट्स द टाइम कि हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. एक घर को मैनेज करना अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ टीम वर्क. उस टीम में आपके बच्चे भी हैं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स भी हैं, सब लोग अगर मिलके काम करते हैं तो हाउस होल्ड काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ईजिली मैनेज हो जाता है. लाइक अगर ये एक टीम है तो आप उस टीम के हेड हो, आपको सबको सबका टास्क जो है वो असाइन करना है. ये दिस इज़ अ गुड टाइम जब आप अपने बच्चों में ऐसी हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकते हो कि वो अपना काम खुद करें, वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना फॉलो करके घर के काम में आपकी हेल्प करें. सो ऑलवेज बिलीव चेंज इज़ फॉर बेटरमेंट. तो आप इस प्रॉब्लम से भी जो है बाहर आ सकते हैं. नेक्स्ट जो फोर्थ इशू है उन लोगों के साथ जो सिर्फ वॉक करने जा रहे थे अपनी फिटनेस के लिए, लेकिन उनको कोई एक्सरसाइज करना नहीं आता है. सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल. साइंटिफिक स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि अगर हम टाइम टाइम पे नए काम सीखते रहते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट होती है, उनका रिजुविनेशन होता है. ओल्ड एज में कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय लर्निंग न्यू स्किल्स. तो इट्स अ गुड टाइम टू लर्न एक्सरसाइज. काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे हैं एक्सरसाइज के, आप किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हो. बट यू हैव टू बी केयरफुल, एवरी एक्सरसाइज इज़ नॉट फॉर एवरीवन. आप अपने बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइजेस कीजिए, सेफ्टी मेजर्स लेते हुए एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप किसी फिटनेस एक्सपर्ट से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं टू गाइड अबाउट द एक्सरसाइज. टू बिगिन विद, सूक्ष्म व्यायाम फ्रॉम योगा इज़ द गुड थिंग एंड देयर इज़ नो एंड ऑफ एक्सरसाइजेस. लास्टली आई वॉन्ट टू एड्रेस दोज पीपल हु आर जिम लवर्स, या फिर ग्रुप एक्टिविटी जो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे जिस वजह से उन्होंने अपने एक्सरसाइज पैटर्न को बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि अब हम जा नहीं पा रहे हैं तो अब हम एक्सरसाइज कैसे करें. सो अगेन आपके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है. आपने अपनी क्लासेस में बहुत कुछ सीखा है, उसको अब अप्लाई करने का टाइम है. इन केस अगर आप घर पे अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी, आपको फिर से ABC से स्टार्ट करना होगा. सो स्पेयर अ कॉर्नर इन योर हाउस, ईदर टेम्परेरी और परमानेंट, एंड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे ओनली. सो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैंने रियलाइज़ किया था जो मेंटल ब्लॉक्स आए हैं हमारे फिटनेस रूटीन में, हमारे हेल्दी रूटीन में. तो अगर आपके माइंड में या आपकी लाइफ में कुछ और ऐसे मेंटल ब्लॉक्स हैं या कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट बॉक्स और ऑन माय ईमेल आईडी, राइट. हमारे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि लॉकडाउन में बहुत सक्सेसफुली हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर लूजिंग गुड अमाउंट ऑफ वेट, दे आर इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, दे हैव शेयर्ड देयर स्टोरीज विद अस, और वो हमने अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड की हैं. अगर आपकी भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. थैंक यू.